बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बशीर टीवी के साथ मैं हफ़ज़ा कंवर। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत को इक्तदार में आए हुए 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। इक्तदार में आने से पहले इस हुकूमत ने कई वादे किए थे, जिसमें इसने कहा था कि ये मुल्क से गुरबत को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। गुरबत तो खैर ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन गरीब तबका ज़रूर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अंजुमन ताजुआन बलूचिस्तान के मरकज़ी सदर जनाब रहीम आगा साहब। आप सदर अंजुमन बलूचिस्तान ताजुआन भी हैं, साथ ही साथ आप बाप पार्टी के और बाप पार्टी के कमेटी सेंट्रल कमेटी मेंबर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप अंजुमन ताजुआन के मरकज़ी सदर हैं, साथ ही साथ आप बी ए पी पार्टी के कमेटी मेंबर भी हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका मंशूर क्या है और ताजर बिरादरी के मसाइल क्या हैं? नहीं, कौन से मुझे ये बताया जाए कि आप पार्टी के मंशूर के हवाले से पूछ रही हो सर, आप बाप पार्टी में भी हैं, साथ साथ आप ताजर भी हैं, तो आपका कोई एक वो स्पेसिफिक टारगेट एरिया है जहाँ पे आपके ये दोनों जो है आके उसको सपोर्ट करते हैं? किसी तरीके से उनका कोई लिंक है, कोई कनेक्शन है? यार असल में ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी उनका मंशूर जो है वो खुशहाल बलूचिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, ये हमारे पढ़ा लिखा बलूचिस्तान, ये हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मंशूर हैं। इसी के साथ साथ अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान का यही मकसद है और हमारा मंशूर यह है कि जो ताजरों के हकूक़ हैं वो ताजर बरादरी को उनके हकूक़ दिलाने के लिए हमने एक अंजुमन बनाई और हमारा मंशूर यही है कि हम ताजर बरादरी के जितने हकूक़ हैं वो पहुँचाएँ ताजर बरादरी को। जी आप मुझे ये बताइए कि ताजर बिरादरी के जो मसाइल हैं वो क्या हैं? असल में ताजर बिरादरी, देखो एक मुल्क में ताजर बिरादरी की हैसियत जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, और अगर जिस समय रीढ़ की हड्डी खुदा न खास्ता सही नहीं होगी तो पूरा जिस्म जो है वो सही नहीं होगा। मसले यकीनन बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासकर हमारे सूबे के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे बलूचिस्तान को बहुत ही शानदार सूबा अल्लाह ताला ने हमें दिया है, और अल्लाह ताला ने जितने मादनियात हमारे सूबे को दिए पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन इसलिए ये होना चाहिए था, हमारी जो सबका हुकूमतें थी मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें, उन्हें यह करना चाहिए था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन बनाते, इंडस्ट्रियाँ बनाती, ताकि हमारे जितने बेरोज़गार लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होते, लेकिन वो नहीं हुई। अब आते हैं हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत की तरफ। मेरे ख़्याल में आप इस बात का इतराफ़ करोगी कि हमारे वज़ीर आला मोहतरम जाम कमाल ख़ान साहब सूबे के तारीख का पहला वज़ीर आला हैं जो कि इंतहाई पढ़ा लिखा और शरीफ नफ्स इंसान है, जो कि मेरे ख़्याल में 24 घंटों में कुछ 5 घंटे के अलावा कि वो आराम करते हैं, बाकी ये जो आप क्या था 19 घंटे हैं ये काम करता रहता है। लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये व्हाट्सएप वाली हुकूमत हैं और ट्विटर वाली हुकूमत हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला का फजल करम है, बहुत सारे हमारे सियासतदान हैं जिनको ट्विटर चलाना नहीं आता है, जिनको फेसबुक पे नहीं आता है, तो हम तो जो भी हमारे हुकूमत हमारे जाम साहब जो भी काम करता है वो अपने ट्विटर अकाउंट पे जारी कर देते हैं कि मैंने ये काम किए हैं और सूबे के हवाले से हम ये करने जा रहे हैं, तो हम अपनी हुकूमत पे फ़ख्र करते हैं। और इंशाल्लाह ताला 2.5 सालों में हमने जो कुछ किया है, अब एकदम 70 साल महरूमियाँ जो हैं वो हम 2.5 सालों में ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक अच्छा ग्राउंड दे सकते हैं ताकि हमारी हुकूमत के बाद जो भी आएंगे इंशाल्लाह ताला वो हमारे ही मंसूबे जारी रखेंगे। इस पे फिर मैं आपको तफसील में जाऊंगा, काफ़ी टाइम इस पे लग जाएगा कि हम हमारी हुकूमत की कौन से कारनामे हैं, हमारी हुकूमत ने क्या किया है। जाहिर सी बात है कि 2-2.5 सालों में जो हमारे जो बड़े मनसूबे हैं वो ग्राउंड पर उस टाइम जब आपको नज़र आएंगे जब ये पाई तकमील तक पहुँचेंगे। आप मुझे ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ताजरों को किस हद तक सहूलत फराहम कर रही है? नहीं, हुकूमत देखो, मैंने पहले आपको कहा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हमारा हुकूमत से ये मुतालिबा है कि बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियाँ कायम की जाएँ। बलूचिस्तान में गुरबत ज़्यादा है, हमारे यहाँ जो है गुरबत की वजह से बहुत सारे नौजवान बेरोज़गार हैं, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन मैं बताता चलूँ कि जिस तरह लॉकडाउन आया पूरी दुनिया में, एक वबा आया कोरोना की शक्ल में, इस कोरोना की शक्ल में पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा। और पाकिस्तान में आपको पता है कि 2 दिन पाकिस्तान में लॉकडाउन था, लेकिन हमारे सूबाई हुकूमत खसूसा हमारे वज़ीर आला साहब, जिनके हम अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान की जानिब से और ताजर बरदरी इसके मशहूर हैं, वो इसलिए कि पूरे बलूचिस्तान में 2 दिन लॉकडाउन था, पूरे पाकिस्तान में 2 दिन लॉकडाउन था, बलूचिस्तान में 1 दिन लॉकडाउन था और वो भी जुमे के दिन लॉकडाउन था। तो इससे बड़ा रिलीफ और क्या हो सकता है। वो यही समझ रहे थे जाम साहब के हमारे यहाँ पहले से कारोबार नहीं है, गैर मुवाफिक हालात की वजह से अब थोड़ा सा हम संभल गए हैं। कोई 2-2.5 सालों से कत्ल गारत गरी, बम धमाके, टारगेट किलिंग वगैरह, इससे अब थोड़े से हम निकल चुके हैं। आपको पता होगा कि हमारा ये जो खिता है, अल्लाह ताला ने जो हमें इनायत ही मदनियात से भरा हुआ खिता दिया है, ग्वादर हैं, सी पैक हैं, बहुत सारे मदनियात अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, लेकिन हमारे इस पाक धरती के जो दुश्मन हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि ये सुबह तरक्की करें या ग्वादर जो है वो कामयाब हो जाए, या हमारे जो सी पैक आ रहा है सी पैक अपना इनको जो है कामयाब करे। तो उसको सबोताज करने के लिए मुख्तलिफ अरबे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी टारगेट किलिंग, कभी बम धमाके, कभी लोगों को धमकियाँ। तो इससे इंशाल्लाह तआला को हमारी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि वो आवाम को रिलीफ दें। बाकी इंशाल्लाह सतह पे हमें सपोर्ट किए हैं हमारी हुकूमत ने, खासकर हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम साहब जी। जैसे कि आप जानते हैं कि बादिनी कस्टम स्टेशन को बहाल फाल कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये एक अच्छा इकदाम है? बिल्कुल अच्छा इकदाम है, हम उसकी सपोर्ट करते हैं, इसी तरह होने चाहिए। लेकिन ये है कि बादिनी का जो उन्होंने वहाँ पे एक स्टेशन बनाया है, चेक पोस्ट वहाँ पे जो कस्टम के लिए वो कर रहे हैं, बादिनी के साथ साथ वो चमन का जो हमारा बॉर्डर है इनको मुकम्मल तौर पर बंद न करे, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों के तादाद में लोगों का रोज़गार इनसे वाबस्ता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ पे तरक्की होगी हम ताजर बहादुरी तो खुश होंगे उस चीज़ पे, हम इसकी बिल्कुल हिमायत करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि हुकूमती इकदाम को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं कि महंगाई की असल वजह क्या है? नहीं, असल में कबल देखे महंगाई ये नहीं है, इस वक्त पूरे पूरी दुनिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता है। आप अभी अगर मैं और आप जाते हैं बाजार, हम किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं खाना खाते हैं, कोयटा में आपको 20 से 25 रुपये में एक रोटी मिलेगा। आप किसी भी होटल पे जाएं, अगर आपने गुजारा करना है तो 50 से 60 रुपये में आपको सालन मिलेगा, ठीक है। 100 रुपये में एक बंदे का पेट आप पेट भर के वो खाना खा सकते हैं। अभी इसी 100 रुपये का आप उठा ले, आप अमेरिका चले जाएं, आप जापान चली जाएं, दुबई चली जाएं, आप 300 रुपये में भी एक बात का खाना नहीं खा सकती हो। तो जाहिर सी बात है, मुल्क को सही करने के लिए जब तक हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे, जब तक हम आपको पता होगा कि 72 सालों से मुल्क को जिस बेदर्दी से लूटा गया है, तो अब इन चोरों को पकड़ने का वक्त आया है। हमारे इमरान खान साहब, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हम इन चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। थोड़ी सी जाहिर सी बात है कुछ टेंशन होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त आने वाला है। कस्टम मुकाम का कहना है कि कोई भी गैर कानूनी तौर पर सामान आएगा सूबे में, आने वाला हर सामान, उसके खिलाफ छापे भी मारे जाएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी रखी जाएंगी, इस मंशू को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बात इस तरह है, देखो कोवल के कस्टम वाले जो हैं, हमने अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के प्लेटफार्म से हमने कभी भी इलीगल चीज़ की हिमायत नहीं किया। अब कस्टम वाले जो है 10 चेक पोस्टें हैं, उनसे किस तरह माल गुजरता है वहाँ से? कस्टम वाले एक दफ़ा वहाँ से इनसे जो है साजबाज करके इनको छोड़ देते हैं, फिर ये कस्टम की पॉलिसी है कि जो चीज़ शेयर के दरमियान में आ जाते हैं फिर कस्टम का हक नहीं बनता है कि उस पर छापे मारें। लेकिन अगर कस्टम इस तरह करेंगे तो जाहिर सी बात है ताजर बरदरी भी फिर एहतजाज के लिए मजबूर होगी, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि ताजर बरदरी ऐसे इकदाम क्यों उठाती है कि रोड ब्लॉक कर देते हैं, लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है? ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं सुने जाते हैं या हम सरकारी ऐवानों तक जाते हैं, उनके दरवाज़ों पर दस्तक देते हैं, बल्कि कई बार जाते हैं, जब हमारे मुतालबात नहीं सुने जाते हैं तो फिर वो पारसी में कहते हैं कि तंगा मत बजंगा मत। फिर ज़ाहिर सी बात है प्रोटेस्ट करना हर अंजुमन और हर पार्टी का हक है, फिर हम प्रोटेस्ट पर निकलते हैं। बिल्कुल,
एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि जब आटे का बहरान आया, चीनी का बहरान आया, तो कीमतें बढ़ा देगी, जब बढ़ा देगी कीमतें तो चीज सामने आ गए, ऐसा क्यों? ये क्या हुआ था? नहीं, जहर सी बात है, मैंने पहले आपको कहा कि ये कि माफिया जो हैं जी ऊपर की सतह पे पंजाब में बहुत सारे लोग माफियाज की शक्ल में बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं और हमारे ताजर बहादरी में भी हैं, जिनका ताल्लुक PMLN और पीपल्स पार्टी से हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को रोक दिया, स्टॉक कर दिए हैं। जहर सी बात है, जब कोई चीज़ स्टॉक होगा बाजार में नहीं आएगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी। इसी तरह अंडों की कीमत अगर बढ़ी है, ये उन्होंने कसदन किए हैं अपना PTI की हुकूमत को बदनाम करने के लिए, इन्होंने ये इकदाम उठाया है। बाकी ये इस तरह के अरबे जो हैं वो ये लोग कर रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा ये वादा है कि हम आवाम को ज़रूर रिलीफ देंगे। क्या ये रिलीफ टैक्स में भी दिया जाएगा आवाम को? टैक्सेस तो हमने इतने ज़्यादा वो नहीं लगाए हैं, मैंने पहले कहा कि आप दुबई जाएँ, आप अमेरिका जाएँ, ये दुबई उसकी नहीं पाकिस्तान बदौलत, है सर। उसकी बदौलत हमने कौन सा इतने टैक्सेस तो हमने नहीं लगाए हैं, जितना जी लोग रो रहे हैं कौन सा टैक्स हमने लगाए? कुछ एक का नाम आप ले लें। आप मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान में नया टैलेंट सामने क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे वजूहत क्या है? जबकि CM साहब ने अरबों रुपये भी दिए हैं, फंड्स भी दिए हैं, फिर भी नया टैलेंट सामने नहीं आता, क्यों? चलो ये भी अल्लाह ताला का फजल करम है कि आप मान रही हो कि CM साहब ने अरबों रुपये के फंड्स दिए हैं। आपको पता होगा क्यों कमल के हमारे वजीर आला साहब ने बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया है, जी, और आपके क्वेटा के इलाके सरियाब में बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहा है। इंशाल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो मुस्तफीद होंगे। अब खिलाड़ी जो है आगे ना आना, इनकी कुछ जहर सी बात है, यहाँ पे फिर खिलाड़ियों के दरमियान और स्पोर्ट्समैनों के दरमियान फिर अपने मुकाबले हैं, वो एक दूसरे को आगे नहीं छोड़ते हैं, तो इसमें जो हुकूमत का कोई वो नहीं। हम तो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई 17-18 साल के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हम लोग उसमें क्वेटा में कराने जा रहे हैं, और हम तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले में। मैंने कहा कि अभी 72 सालों का गंद जो है वो 2.5 सालों में साफ नहीं हो सकता है, लेकिन अतुल अतुल कोशिश हमारी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला हम आवाम को रिलीफ देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे टीवी टाइम दिया। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी के हर शोबे से आवाम को, आवाम की आवाज़ को यहाँ सामने लेके आएँ मशरिक टीवी के थ्रू। तो आज का प्रोग्राम आपने देखा, इस हवाले से हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।